हे गाइस, सो रिगार्डिंग आईपीएल 2021 रिमेनिंग मैचेस, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो आईपीएल 2021 के रिमेनिंग मैचेस में आप कह सकते हो बाहर होते हुए हमें दिख सकते हैं, वो हमें नहीं खेलते हुए दिखेंगे। अब उसका रीज़न ये नहीं कि उनका बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, एक अलग रीज़न है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, दो इंग्लैंड के प्लेयर्स है और एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है, प्लेयर नहीं है ये कोच है। तो पूरा वीडियो देखना, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो गाइस, थोड़े टाइम पहले आप सभी को पता होगा इंग्लैंड के एक यंगस्टर है ऑली रॉबिन्सन, जिनको इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया। गाइस प्लीज़ इग्नोर, पीछे से डॉग्स बार्क कर रहे हैं। एंड आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जल्दी से। तो ऑली रॉबिन्सन को बैन कर दिया था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। क्यों बैन किया था इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने थोड़े टाइम पहले 2012 में शायद एक ट्वीट किया था, वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, थोड़ा गलत ट्वीट था, ऐसा किया था, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप कर सकते हो। तो किया था जिसके कारण उनको मतलब अभी बैन किया गया है, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। जब आप उनका सलेक्शन कर रहे थे तभी आपको ये सब चेक करना चाहिए था, लेकिन अभी आपने किया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी कुछ और प्लेयर्स हैं, ऐसा पता लग रहा है कि उन्होंने भी कुछ गलत ट्वीट किया है। सबसे ऊपर आता है इंग्लैंड के कप्तान ओयन मॉर्गन का नाम, एक इतना बड़ा नाम, मतलब वर्ल्ड को विनिंग कैप्टन ओयन मॉर्गन, और एक और प्लेयर है इंग्लैंड का ही जॉस बटलर, और तीसरा जो कोच है फॉर्मर प्लेयर न्यूजीलैंड का ब्रैंडन मैकलम, इन्होंने इन तीनों ने इंडिया के बारे में कुछ ट्वीट किया, तीनों ने, या फिर इसमें से किसी ने ऐसा मतलब इंडिया के बारे में कुछ किया गया है फोर्स, और इंडिया के बारे में कुछ गलत ट्वीट किया गया है इन तीनों में से किसी ने, या फिर तीनों ने ही किया है शायद, जिसके कारण पता ये लग रहा है कि ये तीनों प्लेयर्स जो रिमेनिंग मैचेस है उधर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। एज पनिशमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स इन प्लेयर्स को और ये जो कोच है मैकलम इनको पनिशमेंट देता हुआ दिख सकता है। वैसे जॉस बटलर तो कोलकाता के नहीं है, राजस्थान के, तो राजस्थान उनको पनिशमेंट देता हुआ दिखेगा। एंड जो रिमेनिंग मैचेस है उसमें हमें ये प्लेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे अगर इंग्लैंड प्लेयर्स को अलाउ कर दिया जाता है तो। वैसे मैकलम तो फोर्स और अवेलेबल होते चाहे न्यूजीलैंड बोर्ड अलाउ करता या नहीं प्लेयर्स को, बिकॉज वो तो कोच है तो वो आ सकते थे, लेकिन अब वो भी आप कह सकते हो इम्पॉसिबल टाइप हो सकता है। इसके ऊपर ECB रिसर्च कर रहा है, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप कह सकते हो ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है बिकॉज इन प्लेयर्स ने भी ट्वीट किया है, और अगर इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है देन ओली रॉबिन्सन के साथ गलत होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। मैं अपने भारत के साथ हूँ, अगर इन प्लेयर्स ने भारत के बारे में कोई कमेंट किया, चाहे कोई भी प्लेयर हो, पनिशमेंट देना चाहिए, कमेंट्स में लिखकर बताओ आपका इसके ऊपर क्या कहना है। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।